हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहां बच्चों को इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैथ्स की तरफ चले जाता है, और यहां फिजिक्स के जैसे थोड़े कम चीज़ें होते हैं, ज़्यादातर ये मैथ्स की तरफ होते हैं। कुछ चीज़ें लर्न करना पड़ता है, अगर आप उसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, पर समझने के लिए आप उसके डेरिवेशंस को देखेंगे, डेरिवेशंस को लर्न करेंगे, फिर उसको याद करेंगे, और फिर डेरिवेशन खत्म होने के बाद आप उसके लॉजिक में पहुंचेंगे, लास्ट में उसके आंसर में, पर एग्जाम हॉल में फिर उसको भूल जाएंगे और लास्ट में लर्न करना पड़ेगा। तो पहले से हम लर्न कर लेंगे कुछ चीज़ों को, उसके बाद सब कुछ जो जो होगा, जो कुछ भी हमारे ट्रिक्स लगा के कुछ भी लगा के हम उसको सॉल्व करें, हम उसको देखेंगे। चलिए आप चलिए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। तो पहले हम डेरिवेशन को देखेंगे, डेरिवेटिव्स जिसको हम कहते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है, कहाँ गया हमारा लॉग, किधर गया, हाँ सही है लॉग था पहले से, हाँ। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो स्लोप हमारा होता है ना एक्स और वाई एक्सिस का, दैट इज वो जो छोटा सा पार्ट होता है वो टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप कहते हैं हम। पहले उसके पहले मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम एक बार स्लोप के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्लोप के बारे में बात करें तो टेन थीटा जो होता है, जैसे ये लाइन है यहाँ पे, जो ये जो इसके पैरेलल एक्स एक्सिस को अगर हम पैरेलली एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें, तो जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ उसे हम कहते हैं स्लोप। यहाँ पे देखिए स्लोप जो है हर जगह ये थीटा का वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। पर अगर हम इस फिगर की बात करें, यहाँ देखिए एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ किया गया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो थीटा होगा और दूसरे पॉइंट का थीटा सेम नहीं होगा। तो यहाँ जो स्लोप है ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये है हमारा वेरिएबल स्लोप। फिर हम आ जाते हैं, यार एक पेन चेंज कर लेता हूँ पहले, ग्रीन करें क्या, नहीं ग्रीन में लिखा गया, आप कमेंट करके बताइए कौन सा पेन आपको अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये रखते हैं ये। हाँ तो अगर मैं एक काम करता हूँ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए स्लोप से, कि मैं स्लोप का कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, अब उससे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जो बीच में एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा एक्स और वाई का, उसको अगर हम बड़ा करके देखें थ्रू दिस, तो ये देखिए ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा और ये वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा। पर ये जो वाई टू माइनस वाई वन है वो कितना ज़्यादा छोटा होगा, मतलब वाई टू माइनस वाई वन विल टेंड टू जीरो, काफ़ी हद तक जीरो के साथ इक्वल, जिसको हम डी वाई कहते हैं। डी वाई मतलब एक छोटा सा पार्ट वाई एक्सिस का, और ये x2 माइनस x1 का भी सेम ही होगा, तो ये भी टेन टू जीरो करेगा, तो इसको हम dx कहेंगे। तो अभी जो हमारा डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव मतलब एक बड़े से चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, एकदम छोटे छोटे पार्ट में, तो अभी जो हमारा डेरिवेटिव होता है दैट इज dy बाय dx, जिसको हम कहते हैं tan थीटा। तो अभी जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। सो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डी वाई बाय डी एक्स, यही तो है ना जो हमने पढ़ा, राइट तो ये क्या है, ये दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप है उनको दर्शाता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में, ये फॉर्मूलाज बहुत ही बेसिक हैं, बेसिक फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। एक है कि अगर y का वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, जैसे कि y का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू 2 मतलब dy by dx हमेशा कांस्टेंट है, सॉरी dy by dx 0 होगा, y कांस्टेंट है तो dy by dx 0 होगा। जैसे कि इसको अगर मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो ये सोचिए ये 1 पॉइंट है और ये 2 है, तो ये 2 अगर y इज इक्वल्स टू 2 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इज इक्वल्स टू 2 में कांस्टेंट जा रहा है, तो यहाँ का स्लोप कितना होगा, ये स्लोप अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो स्लोप कितना होगा, जीरो नहीं हो जाएगा, और dy by dx वही तो था, स्लोप ही तो था हमारा,
फिर हम आ जाते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के ऊपर। x टू द पावर n अगर दिया है तो उसका जो dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है वो सीधा सीधा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 दिया गया। एक्स टू द पावर 4 का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वन एक्स टू द पावर 4 माइनस वन, यानी कि 3 एक्स टू द पावर 3। क्या यार गलत है ये, 4 आगे आ जाएगा x टू द पावर n माइनस वन यानी कि 3, गलत लिखा गया था। तो अभी इसके ऊपर देखते हैं, ये y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर रूट है, यानी कि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x टू द पावर हाफ, दिस इज इक्वल्स टू हाफ आगे आ जाएगा, देन x टू द पावर हाफ माइनस वन इज इक्वल्स टू हाफ से माइनस वन कटा मतलब माइनस हाफ इज इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ को अगर मैं प्लस हाफ करूं तो 1 बाय 2 टू द पावर x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स, ये dy बाय dx का वैल्यू। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 दिया हो, अगर x टू द पावर 1 दिया है और उसको हम पुट करें तो x का 1 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू x टू द पावर 0 हो जाएगा, जैसे यहां पे हुआ है। एक्स टू द पावर जीरो का मतलब क्या था, वन, वन इंटू वन वन, तो इसका वैल्यू वन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स टू द पावर फोर की। ये एक ऐसा कंडीशन है कि एक कॉन्स्टेंट है जो एक वेरिएबल के साथ इंटू में है, जैसे सेवन इंटू एक्स टू द पावर फोर है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हम सेवन को आगे ले जाएंगे और एक्स टू द पावर फोर का डेरिवेटिव करके उसके बाद उसको फिर से इंटू कर देंगे। अगर हम इसकी बात करें, ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, तो यहाँ डी वाई बाय dx जो है ये कैसा हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 5 यानी कि 5 आगे x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 x टू द पावर 4। फिर आ जाते हैं x टू द पावर e टू द पावर x के बारे में। e टू द पावर x बहुत अच्छा है, e टू द पावर x कितना अच्छा है, इतना अच्छा है कि ये जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का करे तो ये e टू द पावर x ही आता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। लर्न करने में भी इजी होता है, क्वेश्चन आ जाए फिर तो वाह। x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x की बात करते हैं। अगर ए टू द पावर x के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे था, अगर हम यहाँ पे x टू द पावर एक कांस्टेंट था, यहाँ ए टू द पावर x है, तो इसका जो वैल्यू आता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x log e टू द पावर log e बेस a, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लीजिए आप। अगर उसके बाद बात करते हैं इसकी y इज इक्वल्स टू log e टू द पावर x की, अगर हम e टू द पावर x की बात करें, log e टू द पावर x, log बेस यानी कि टू द पावर x, तो इसकी अगर बात करें तो dy बाई dx जो होता है वो 1 बाई x हो जाता है। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू, इसके एग्जाम्पल्स हैं ये 7 के a टू द पावर x के, a मतलब एक कॉन्स्टेंट, टू द पावर वेरिएबल, y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x, तो इसका जैसे हमारा था a के जगह पे a का पुट कर दीजिए वैल्यू, कॉन्स्टेंट का वैल्यू, फिर जैसे टू द पावर x था वैसे ही, और log e बेस 5। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसका dy बाई dx जो है दिस विल बी लाइक 10 टू द पावर x log e बेस 10। फिर आ जाते हैं ये कुछ, मैंने इसको अलग कलर में इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज हैं, इनको पूरा याद करना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका जो dy बाई dx होता है वो cos x हो जाता है, अगर y इज इक्वल टू cos x है तो वो माइनस साइन x हो जाता है। सारा cos cos बुरा बुरा, साइन साइन अच्छा अच्छा, तो cos cos जो होता है ना बेसिकली वो सब माइनस माइनस में जाते हैं, तो इसको y इज इक्वल टू cos x आ गया वो आपका माइनस साइन x आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स है तो देखिए sec square x हो जाता है, और अगर cot x है, मैंने बोला था cos cos सब बुरा बुरा, तो cot x है तो वो हो जाता है माइनस cos square x। फिर sec x की बात करें तो वो हो जाता है sec x tan x, फिर cos cos बुरा बुरा तो फिर cos x आ जाए तो माइनस cos x cot x। फिर एक कन्फ्यूजन की बात करते हैं, एक कन्फ्यूजन होता है सबको कि कभी कभार ना ऐसे होता है y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 दे दिया, सोच लीजिए x क्यूब दे दिया, dy बाई dx इज इक्वल टू तो 3 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था हमने लगाया था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा वैल्यू ये आ ही जाएगा। पर अगर अगर dy बाई dt दे दिया तो ये देखिए यहाँ पे x वेरिएबल भी था ऊपर y के साथ और नीचे हमने डिनोमिनेटर में dx भी रखा था, पर अगर यहाँ पे x है ही नहीं t है तो इस जगह पे कॉन्स्टेंट हो जाता है इसको। ऑब्वियसली अगर ये x है, ये y है, ये x है, y के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में भी बढ़ रहा है। पर अगर मैं अभी एक ऐसा डायमेंशन ले लूँ जो इनके इनके रिलेशन में ही नहीं है, जैसे कि dy बाई dx, तो x के लिए तो ये कांस्टेंट ही होगा ना, उसके लिए क्या चेंज हो रहा है, वो तो अपने आप ही चल रहा है, हमेशा ये जीरो हो जाता है।
जैसे कि इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा है, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने डी एक्स लिया था वो सब सेक एक्स कॉस एक्स के टर्म में था, पर यहाँ थीटा के टर्म में है, कॉस थीटा के टर्म में इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो हो ही जाएगा, पर डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो जीरो हो जाएगा। ये नीचे के वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। अब आ जाते हैं एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एलजेब्रा मतलब एडिशन माइनस सब्स्ट्रैक्शन वो वगैरह। जब दो टर्म दिया हो, जैसे ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को ऐड करके दिया है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो बहुत इजी है कि पहले वाले को डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन कर लिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर फाइव प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग बेस ई टू द पावर एक्स प्लस कॉट एक्स दिया है, तो यहाँ हम डी वाई बाय डी एक्स का ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फाइव एक्स टू द पावर सॉरी फाइव एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा, फाइव एक्स टू द पावर फोर प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस लॉग ई बेस एक्स यानी कि वन बाय एक्स हो जाएगा, प्लस कॉटेक्स का क्या लिखा था हमने, कॉटेक्स का हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, देखिए कॉटेक्स कॉटेक्स का था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। थोड़ा डार्क कलर दिख नहीं रहा है ना, लाइट कलर में लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे यूवी मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है यू यू इंटू वी मेथड। तो यहां देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, इसका मतलब यानी कि हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला आता है वो लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। एक बार यू को आगे रखेंगे डी वी बाई डी एक्स कर लेंगे, प्लस कर लेंगे एक बार भी को आगे रखेंगे डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। अगर ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की बात करें, तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर को आगे रखेंगे, एक्स स्क्वायर को आगे रखा हमने, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया जो कि कॉस एक्स होता है, प्लस एक बार साइन एक्स का कॉस एक्स का क्या यार साइन एक्स को आगे रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि टू एक्स होता है। अगर इसकी बात करें एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, इसका ही एग्जाम्पल है ये, इसका ही एग्जाम्पल है, तो इसकी बात करूं तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, पहले इसको कॉन्स्टेंट रखेंगे एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस फिर ई टू द पावर एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही, और इसका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर। डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन का फॉर्मूला ना याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद रहता ही नहीं, इसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। ये नोट मैं हो सके तो अटैच कर लूँगा डिस्क्रिप्शन के साथ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज अभी मैं तो कहूँगा कि अभी आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे लिख के, और दिन में दो तीन बार इसको देखा करिए सुबह उठ के, ये याद रहता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहता ये। वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय एक्स है, तो इसको हम और एक चीज़ भी कह सकते हैं, दैट इज यू बाय वी मेथड, राइट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज, एक बार हम u को एक बार v को आगे रखेंगे डी यू बाई डी एक्स, एक बार u का माइनस एक बार u को आगे रखेंगे डी वी बाई डी एक्स, और होल में बाय में v स्क्वायर। पहले देखिए v नीचे है तो v पहले बाहर रहेगा, ऐसे याद रखिए कि v पहले बाहर रह रहा है, तो इसका जैसे जैसे इसका हमने किया तो ये आया कि एक बार x को एक बार v, v हमेशा नीचे वाला टर्म होता है, डिनोमिनेटर होता है, v हमेशा डिनोमिनेटर लिख देते हैं। हाँ, तो एक बार v बाहर रहेगा, फिर u डिफरेंशिएट होगा, माइनस एक बार u बाहर रहेगा v डिफरेंशिएट होगा बाय v स्क्वायर। अगर हम ऐसे ही इसकी बात करें तो यहाँ पे dy बाय dx का वैल्यू जो होगा दैट विल बी कि एक बार v बाहर रहेगा तो tan x बाहर रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन इंटू वन, माइनस एक बार x बाहर रहेगा tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का हमने पढ़ा था क्या था, tan x का sec स्क्वायर है x, sec square x by tan square x। अब हम आते हैं चेन रूल के तरफ, चेन रूल यही है जो मेडिकल में आएगा, यही है, बाकी सब तो इसको फॉर्म करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो यहां ये होता है कि आपको ना एक टर्म को पहले x सोचना पड़ता है, जैसे यहां पे ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू है, अब इसको कैसे करेंगे,
दिमाग में तो आएगा ऑब्वियसली, अगर ये √2 होता तो सही था, राइट। अब ये अंडर रूट के साथ दो टर्म्स आ गए हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। तो इसमें क्या करते हैं हम एक्स क्यूब प्लस टू को, हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस टू को एक्स ले लेंगे। अब इजी है आपके लिए, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स का निकालना, इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ बन जाएगा। अब इजी हो गया निकालने के लिए। अब निकालिए इसको, जैसा करते हैं वैसा ही कीजिए जैसे हमने किया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स था तो ये हाफ आ गया आ जाएगा, टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हुआ है, इन टू में क्या आ जाएगा जो जिसको आपने एक्स लिया था, जिस टर्म को आपने एक्स लिया था, फिर उसका डेरिवेटिव करके डाल देते हैं। एक बार मैं इसका एग्जाम्पल कर लेता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए e टू द पावर 5x दिया हमने, e टू द पावर x का तो पता है कि e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर 5x का कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पहले कि 5x को x ले लेते हैं, x डैक्स ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कुछ अलग है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, तो हम ये 5 टू द पावर x को x डैस के हिसाब से सोचते हैं, तो e टू द पावर x डैस है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता dy dx ऑफ e टू द पावर x डैस, तो कितना होता ये e टू द पावर x डैस ही होता, राइट। इसके साथ हमें क्या करना है, 5x को जो हमने लिया था x डैस इसका डिफरेंशिएशन करना है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 यानी कि 5 e टू द पावर x डैस। अब x डैस का वैल्यू क्या था 5x, तो 5 e टू द पावर 5x। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इंटीग्रेशन के बारे में। अब इंटीग्रेशन क्या है यार, नया चीज़ आ गया, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन जो है से इज द ओपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा उसका ही ओपोजिट है इंटीग्रेशन, से इज ओपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा, बड़े से चीज़ों को छोटे छोटे में डिवाइड कर देना। इंटीग्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को बड़े बड़े में ऐड करना। जैसे कि ये देखिए इधर जो स्लोप है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्लोप है या ये वेरिएबल स्लोप है, ऑब्वियसली वेरिएबल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इस वेरिएबल स्लोप में अगर मैंने एक छोटा सा ये जो है काट लिया, दूसरा कलर में बता देता हूँ, हाँ एक छोटा सा पार्ट काट लिया, इसका लेंथ हो जाएगा वाई वन और ये जो है ये छोटा सा ये एक्स एक्सिस है, तो ये छोटा सा पार्ट जो है वो डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर मैं ये बाहर लाऊं और बड़ा करके देखूं, क्या कर दिया यार मैंने, एरो बनाना था मेरे को, हाँ बड़ा करके देखूं, तो ये क्या है, ये जो बार है इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो y1 इंटू dx आ जाएगा एरिया, जो कि ये है y1 इंटू dx। ऐसे ही अगर हमें टोटल ऐड करना है तो क्या हमें यहाँ का भी एरिया, यहाँ का भी एरिया, सबका एरिया निकालना पड़ेगा। अब छोटा छोटा पार्ट और ले लिया मैंने, जैसे यहाँ पे हमने लिया है, ये भी एक ले लिया, यहाँ एक ले लिया, यहाँ एक ले लिया, हर जगह एक एक ले लिया, छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर दिया तो टोटल का एरिया निकल गया। टोटल का एरिया क्या हो जाएगा, ये y2 है, ऐसे ही y3 y4 y5 y5 अप टू yn, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn ऐड होते होते इन टू dx, दिस इज अवर एरिया। अब इसको क्या कहते हैं हम मैथमेटिकल टर्म में, सिग्मा वाई एन डी एक्स एक्स टू एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई एन डी एक्स कहते हैं हम इसको। अब इसी को हम इंटीग्रेशन में क्या कह देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स टू द पावर एक्स, इसका लिमिट है यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो ये जीरो और ये एक्स, इसका लेंथ एक्स था, वाई डी एक्स इसको हम ये कह लेते हैं। अब हम अगर इसके बेसिक फॉर्मूलाज की बात करें जैसे हमने इन डेरिवेटिव में पढ़ा था, तो पहला वाला यही है कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n क्या होता है। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n में वहाँ और यहाँ बहुत फर्क है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि x टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये था फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस c, ये c इसलिए लगता है क्योंकि ये है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब ये होता है कि इसका एक लिमिट नहीं होता। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में देखिए, इंटीग्रल x टू द पावर x dx x इज इक्वल्स टू जीरो टू थ्री
में यहाँ पे एक लिमिट दे दिया है कि जीरो के जीरो से थ्री के अंदर हमें निकालना, जैसे यहाँ पे था, यहाँ जीरो टू एक्स था, तो ये डिफिनाइट है, ऑब्वियसली डेफिनाइट है। यहाँ जीरो से एक एक्स इस लेंथ तक हमें निकालना था एरिया, पर ये जो है यहाँ पे देखिए इनडेफिनाइट इंटीग्रल में यहाँ हमें लिमिट नहीं बताया गया है, दैट टू इनडेफिनाइट डेफिनाइट में हमारे पास एक लिमिट आ जाता है, इसमें हमें सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक्स जैसे हमें इंटीग्रेट करना है वैसे ही करेंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, एक्स टू द पावर वन था ये, एक्स टू द पावर कुछ नहीं है तो क्या वन ही है ना, तो एक्स टू द पावर वन प्लस वन बाय वन प्लस वन, यानी कि एक्स टू द पावर टू बाय टू, और ब्रैकेट देख के यहाँ लिमिट लगा देंगे टू टू से थ्री तक। तो पहले हम थ्री का वैल्यू लगा देंगे, एक्स के जगह पे थ्री का वैल्यू एक बार डाल देंगे, माइनस नीचे वाला जो होता है उसका वैल्यू डाल देंगे, तो थ्री टू द पावर टू बाय टू माइनस टू टू द पावर टू बाय टू, दैट विल बी नाइन बाय टू माइनस फोर बाय टू, दैट इज फाइव बाय टू। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये देखिए जीरो टू फाइव है, तो x टू द पावर 2 dx का जो इंटीग्रेशन होगा 0 टू 5 ये हो जाएगा x टू द पावर 2 का कितना, x टू द पावर 3 बाय 3, पहले x टू द पावर 3 बाय 3 लिख देंगे, ब्रैकेट डाल देंगे 0 टू 5 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू x, पहले एक बार x के जगह पे 5 डाल देंगे, 5 टू द पावर 3 बाय 3 माइनस 0 टू द पावर 3 बाय 3, ये टोटल टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, दिस इज 5 टू द पावर 3 बाय 3, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, यहाँ पे क्या कहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स 2 टू 7। अब देखिए हमने पढ़ा था कि हमने क्या कहा था कि डेरिवेटिव जो होता है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो हमने 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, किसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होगा ये निकाल देते हैं, तो हमें उसका इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा। हमने पढ़ा था डेरिवेटिव में कि d ऑफ log x बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स होता था या नहीं, राइट right? तो यहाँ पे 1 बाय एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, हाँ log x हो जाएगा। अब इसका जो लिमिट होगा वो 2 टू 7 हो जाएगा, एक बार 2 एक बार 7, यानी कि log 7 माइनस log 2। अब हम दूसरे बेसिक फॉर्मूलाज की बात करें तो वो है कि x टू द पावर माइनस वन, इंटीग्रल x टू द पावर माइनस वन की बात करें तो इसका क्या होता है, जैसे होना चाहिए वैसे ही होएगा, तो एक बार माइनस वन प्लस वन बाय ऐसा, पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये x टू द पावर माइनस वन का मतलब ये भी तो होता है 1 बाय एक्स, तो यहाँ हम फॉर्मूला नहीं गिरा सकते, यहाँ एक एक्सेप्शन है कि वो फॉर्मूला जो है दैट इज ओनली वैलिड वैन पावर इज मोर देन वन, जब माइनस वन हो जाएगा तो वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, ये और काम नहीं आएगा। तो इसका जो होगा log x हो जाएगा प्लस c, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, मैंने कहा था आपको बहुत अच्छा है ये। फिर बात करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ dx का मतलब होता है 1 dx, 1 का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए 1 का मतलब होता है x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx का मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू यहाँ 0 है, x टू द पावर 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू x, यानी कि इंटीग्रेशन dx का वैल्यू x होता है। फिर फिफ्थ वाले में आ जाते हैं हम, ये c लगाना मत भूलिएगा, जब इनडेफिनाइट हो तब c लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x2 dx, 2x2 dx की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, जैसे डेरिवेटिव में भी एक बार पढ़ा था हमने, एक कांस्टेंट जब एक वेरिएबल के साथ इनटू है, तो सेम वहाँ जैसे किए थे यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ 2 को आगे ले जाएंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 2 को इनके साथ इनटू कर देंगे। अब हम एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, पहले एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से पहले कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, क्यों सोचिए, cos x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे तब माइनस sin x आता था, राइट तो माइनस cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x आएगा, सेम चीज है, मैंने जैसे आपको बोला ये डिफरेंशिएशन होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, जैसे जैसे ही हम इंटू डिफरेंशिएट करते थे जो वैल्यू आता था उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर से वही वैल्यू आ जाएगा, तो बाकी सब लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन का लर्न कर लीजिए, उसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन का। एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे कि ऐड करने में और सब्सट्रैक्ट करने में क्या क्या होता है।
जो ऐड करने में होता है वही सब्सट्रैक्ट करने में होता है, कि आपका एक एक टर्म को ऐड करते इंटीग्रेट करते जाएंगे और लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, दैट्स इट। अब इसकी बात करते हैं तो इसका जो हो जाएगा dy बाय सॉरी इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। इसका वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 बाय एक्स का मैंने बताया था लॉग एक्स, खत्म क्वेश्चन ही खत्म। इसकी बात करते हैं तो यहाँ बताया वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ई टू द पावर एक्स का तो पहले हम कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स का लॉग एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में यू वी रूल था, यहाँ भी यू वी रूल है, हर जगह पढ़ेंगे यू वी रूल। यू वी रूल हमारे पीछे पड़ा रहता है, कभी नहीं छोड़ेगा हमें। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मल्टीप्लिकेशन में यू वी रूल की अगर हम बात करें तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स इन टू साइन एक्स। अभी देखिए एक एक क्या है, एक वेरिएबल के साथ इंटू है। इसका जो फॉर्मूला है ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, नोट में लिख लीजिए इसको। ये जो फॉर्मूला है यू वी मेथड का, यानी कि पहले यू बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस में होल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई डी एक्स, एक बार वी को डेरिवेटिव करेंगे फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। वी है ना, सॉरी ये यू है। अब सही है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू डी एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, मतलब पहले होल इंटीग्रेशन करेंगे फिर एक बार u को डेरिवेटिव में उसको क्या कहते हैं, हाँ उसका डेरिवेटिव करेंगे फिर इंटीग्रेशन लगा के v का इंटीग्रेशन करेंगे, होल का फिर इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ जैसे हमारे पास एक एग्जांपल था कि इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, x sin x के यहाँ x हमारा u है और sin x जो है वो हमारा v है, तो u पहले आ जाएगा जैसे u बाहर आया था, फिर sin x dx इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx v के जगह, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx by dx, यानी कि ये x हमारा u था ना तो u के जगह x आ गया dx by dx, फिर dx by dx ऑब्वियसली 1 होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x होल इंटू फिर dx। इसका मतलब ये x आ गया, फिर ये माइनस cos x आ गया sin x का इंटीग्रेशन, माइनस cos x आ गया, फिर dx by dx का इंटीग्रेशन यहाँ 0 यहाँ 1 आ गया जो कि हमें नहीं लिखने से भी चलेगा, माइनस cos x dx ये sin x का फिर से इंटीग्रेशन। अब माइनस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर सिर्फ प्लस साइन एक्स हो जाएगा, वही आ गया हमारे पास इधर से प्लस साइन एक्स, तो बाकी जितना जितना हुआ ये हमने लिख दिया, दैट्स इट। हमारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव टॉपिक वन शॉट में खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्लांट किंगडम का आएगा, बोटनी का, कल आ जाएगा वो, कल या फिर परसों आ जाएगा, तब तक के लिए बाय।